चैनल आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि दिसंबर माह में विद्यार्थी का असेसमेंट कैसे करें। तो हमको सिंपली इसमें लॉगिन हो जाना है। लॉगिन होने के पश्चात यहां पर शिक्षक पर क्लिक करेंगे और ऊपर में जो 3 डैश लाइन है वहां पर हम शिक्षक के कार्य को चुनेंगे। उसके पश्चात स्क्रॉल डाउन करके विद्यार्थी का असेसमेंट पर क्लिक करेंगे और जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पर चल कर देखते हैं कि नवंबर माह का होता है कि नहीं है, उसको भी चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर क्लास का चयन करेंगे और ये विद्यार्थी है और इस पर क्लिक करते हैं और यहाँ पर देखिए सेव करें ऑप्शन दिया गया है और सेव जैसे ही करता हूँ ये नहीं हो पा रहा है। तो अभी तक जो अपडेटेड वर्जन आया है उसमें नवंबर माह का असेसमेंट आप नहीं कर पाएंगे, तो दिसंबर का कैसे करते हैं आइए देखते हैं। और यहाँ पर दिसंबर रहना चाहिए और इसमें क्लास का चयन कर लीजिएगा। जैसे ही चयन करेंगे ये ऑप्शन खुल जाता है, तो पुनः हम इंटर करेंगे और यहाँ पर देखिए दिसंबर के माह में बच्चों का नाम में असेसमेंट दिखाई दे रहा है, किंतु यहाँ पर सभी विषय नहीं दर्शाया गया है। यहाँ सिर्फ हिंदी और गणित का दर्शाया गया है, हिंदी का 3 और गणित का 5 असेसमेंट यहाँ पर दिया गया है जो कि स्किल बेस पर है और अन्य जो विषय है अभी अपडेटेड नहीं हुआ है। तो हो सकता है आने वाले समय में यह अपडेटेड हो, तो हमको इस तरह से हाँ नहीं में उसका उत्तर देना है। जैसे बच्चे हैं रामधनी है और हिंदी के स्केल है सुनना और बोलना, इसमें चित्र वस्तु देकर उसके बारे में बता पाता है, तो उसको हाँ तो हाँ और नहीं तो नहीं। उसके बाद दूसरा है सुनी हुई बातों खबरों को बता पाता है, उसमें भी हाँ या नहीं में उत्तर देना है। इस तरह से हमको बच्चे का असेसमेंट करते जाना है। शब्दों को पढ़ता है हाँ, सरल वाक्यों को पढ़ पाता है हाँ, चार्ट स्लोगन समाचार को पत्र पढ़ पाता है हाँ, और पढ़ाई गई सामग्री का सारांश बता सकता है हाँ। इस तरह से हमको हिंदी का स्किल बेस में इसका असेसमेंट करते जाना है। उसी प्रकार गणित विषय का है संख्याओं की समझ, 1 से 999 तक की गिनती को पहचान कर सकता है हाँ, 999 तक की संख्याओं को क्रम से लिख पाता है हाँ। तो इस तरह से गणित का भी असेसमेंट हमको करते जाना है और जिस स्किल पर वह दक्ष नहीं है उसको नहीं करना है, बाकी को हमको यस कर देना है। क्योंकि पिछले जो असेसमेंट नवंबर तक था वो इमोजी के 4 इमोजी के माध्यम से हम असेसमेंट करते थे, क्योंकि अब यह प्रावधान है वो बदल गया है, इसलिए इसको हाँ नहीं में उत्तर देना है। इस तरह से असेसमेंट करने के पश्चात सेव पर क्लिक करेंगे और जैसे ही सेव पर क्लिक करेंगे यहाँ पर मूल्यांकन नहीं किया गया का ऑप्शन आ रहा है। क्योंकि देखिए साथियों यह वर्जन है अपडेटेड नहीं हुआ है, जैसे ही अपडेट होता है यहाँ पर मूल्यांकन किया गया शब्द जुड़ जाएगा। तो साथियों आज का वीडियो है यही तक रहेगा, आगे के अपडेटेड वर्जन को जानने के लिए मेरे चैनल सीजी स्कूल एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आने वाला वीडियो है वह नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको प्राप्त हो। धन्यवाद साथियों।